अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे हैदराबाद की फेमस मटन दम बिरयानी। तो ये बहुत ही इजी और आसान से स्टेप्स के साथ में मैं आपको बताऊंगी। चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अब हम प्याज को फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। ये 4 से 5 डली प्याज है मीडियम साइज़ की, तो हम बारीक स्लाइसेस कर लेंगे इसके, बिल्कुल बारीक रहना। तो ये गोल्डन ब्राउन कलर में आ गई प्याज। अब हम इसको निकाल लेंगे और अब हम मटन को मैरिनेट कर लेंगे। तो ये है 1 kg मटन और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे साबित गरम मसाला है, लौंग, इलायची, दालचीनी, शाजीरा, कसूरी मेथी, ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर लेंगे हम। अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, दही ऐड कर लेंगे अब। ये है हरा मसाला, पुदीना, कोतमीर और ये है हरी मिर्च। 9 से 10 हरी मिर्च को हम पीस के इसका पेस्ट बना लेंगे। और ये है कच्ची पपई का पेस्ट, इसको भी पीस के 1 टेबल स्पून ले लेंगे हम और इसको अच्छे से मिला लेंगे अब। और ये मैरिनेटेड मटन में इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे घी, नींबू का रस, तली हुई प्याज ऐड कर लेंगे अब और इसको अच्छे से मिला के अब आधे घंटे के लिए हम रख देंगे ताकि ये जो मसाले हैं इसके अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। जब तक ये मटन मैरिनेट होगा हम चावल बनाने की तैयारी कर लेंगे। तो हमने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। ये है साबित गर्म मसाले, दालचीनी, लौंग, इलायची, शाजीरा, नमक ऐड कर लेंगे अब, हरा मसाला ऐड कर लेंगे, कोतमीर, पुदीना और हरी मिर्च, कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे अब और पानी को हम बॉईल होने के लिए रख देंगे अब। और अब ये पानी बॉईल हो रहा तो हम इसके अंदर भीगे हुए चावल ऐड कर लेंगे। 1 kg सोक्ड राइस है ये, तो आप आधा घंटा पहले से ही चावलों को धो के रख लीजिए और इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस जस्ट बॉईल करना है। तो चावल में जैसे ही उबाल आएगा हम निथार लेंगे इसको। और चावल को निथार लेने के बाद में हम जो मैरिनेटेड मटन है इसके ऊपर से ये चावल ऐड कर लेंगे। और ये है ज़ाफ़रान का दूध, तली हुई प्याज, ये कुकिंग ऑयल है जो प्याज फ्राई की थी हमने वही ऑयल है, थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डाल देंगे। कटी हुई कोतमीर और पुदीना, और अब हम खाने को दम पे रखने की तैयारी करेंगे। ये है आटा, तो आटे को हम थाली को उल्टी करके इस तरीके से लगा देंगे। और अब हम सीधा करके इसको इस तरीके से दबाएंगे ताकि जो स्टीम है इसकी, जब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे तो इसकी स्टीम बाहर ना आ सके। और अब हम इसको चूल्हे पे रख लेंगे 8 से 10 मिनट के लिए, मीडियम हीट पे पकाएंगे पहले और उसके बाद में बिल्कुल लो फ्लेम करके 35 to 40 मिनट्स के लिए पका लेंगे। दम पे रख देना है बिरयानी को अब। और अब ये 35 to 40 मिनट्स हो गए, अब हम इसको निकाल के देख लेंगे। तो ये बिरयानी अब बहुत अच्छे से दम हो गई, तो हमने फ्लेम ऑफ कर लिया है। तो आप इसको सर्व कीजिए मिर्चियों के सालन, बघारे बैंगन या तो फिर अंडे का सालन या बघारे टमाटर के साथ में सर्व कीजिए। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।